हरियाणा H9PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। बरोना निवासी एक व्यक्ति को गांव के ही लोगों ने पीटकर घायल कर दिया। सूरत सुरक्षा गार्ड कंपनी में कार्यरत है और ड्यूटी से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव के बस स्टैंड पर उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बरोना निवासी सुरक्षा गार्ड सूरज का कहना है कि वह ड्यूटी कर शाम को अपने घर लौट रहा था। गांव के बस स्टैंड पर उसे गांव के ही दो लोगों ने रोक लिया और हाथापाई शुरू कर दी। वह कुछ कर पाता इससे पहले कि ईंट उठाकर उसके सिर पर वार किया गया, जिससे उसका सिर फूट गया। उसके भाई को आता देख आरोपित उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गोपालपुर में चोरी। गोपालपुर से चोर एक पशुपालक की भैंस व कटड़ा चोरी कर ले गए। पशुपालक की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रविंद्र का कहना है कि उसने अपनी भैंस व कटड़े को अपने घर में बांधा हुआ था, जहां से चोर उसकी भैंस व कटड़ा चोरी कर ले गए। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोहटी में शादी समारोह से गाड़ी चोरी। सोहटी गांव में एक शादी समारोह में पहुंचे युवक की कार चोरी हो गई, जिसकी शिकायत सैदपुर चौकी पुलिस को देते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। जटखोड़ निवासी निशांत का कहना है कि वह अपनी कार लेकर सोहटी गांव स्थित फार्म हाउस में आयोजित शादी समारोह में आया हुआ था। बाहर अपनी कार खड़ी की थी और वह अंदर चला गया, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसकी कार गायब थी। उसने अपने स्तर पर तलाश करने पर जब उसे कार नहीं मिली तो उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी। खरगोदा कोऑपरेटिव बैंक में चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। चोरों ने गेट का ताला तोड़कर बैंक में चोरी करने का प्रयास किया। बैंक में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दी गई और बैंक में रखी हुई बायोमेट्रिक मशीन चोरी की गई। इसके अलावा बैंक का सारा सामान उथल पुथल करके चले गए। बैंक से फिलहाल कैश की चोरी नहीं की गई है। आपको ये भी बता दें कि सितंबर महीने में भी इसी बैंक से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और बैंक में रखी हुई बंदूक भी चोरी कर ले गए थे, जिसके बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था। मामले की शिकायत मैनेजर रमेश चंद्र ने खरगोदा पुलिस थाने में दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के मुताबिक जब PN सुबह गेट खोलने के लिए आई तो वहां पर ताला टूटा पड़ा था। जब अंदर जाकर देखा तो दरवाजे पर लगे हुए ताले भी टूटे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे तोड़ रखे थे। DVR भी चोर अपने साथ ले गए। इसके अलावा बैंक में दस्तावेज भी उथल पुथल कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या नाम आपका? मेरा नाम पूनम है, खरगोदा बैंक ऑपरेटिव बैंक से हूँ मैं। जब सुबह 9 बजे मैं आई तो बैंक के ताले टूटे हुए थे। यहाँ पर झाड़ू वाली खड़ी थी एक और यहाँ इसका दलबीर बक्स का खड़ा था। मैंने देखा कि ताले टूट रहे। मैंने मौके पर ना मैनेजर साहब को रमेश देसवाल चंद्र जो यहाँ का मैनेजर है ना उसको खबर करी। उसने हेड ऑफिस में बात की और पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लिखवाई। मैडम एक बार सितंबर महीने में भी चोरी हुई थी, उस बार भी बंदूक उठा लिए गए थे। अब की बार 4 ताले टूटे हुए। मैनेजर साहब ने सारा नया काम करवा दिया, ताला का चाबी कुंदे सभी लगवा दिए। बैंक की 2-3 चीज़ चोरी हो गई। कौन कौन सी चीज़ चोरी? एक तो वो गुठे लगाने वाली मशीन की वो थी, एक डोमर जो नेट चलता था, और सारी चीज़ उथल पथल करके गए, कुछ उठा कर नहीं ले गया। 2-3 चीज़ चोरी हो गई। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा, लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, सीनियर एंड वेल क्वालिफाइड अकेडमियन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस्ड करिकुलम, स्मार्ट क्लासेस, लैंग्वेज लैब, एक्सलेंट टीचर्स, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। AP गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट TV, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर स्टोन, लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरियोडिस एनल्फिज, लैप्रोस्कोपिक हर्निया, ऑल टाइप्स ऑफ जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। प्लीज कंसल्ट डॉक्टर सौरव पनगोरिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल 7056511111। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।